गुड मॉर्निंग सर। नहीं बोलो, पूरा बोलो आप। हाँ सर, पूरा बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था आर्ट्स में भी कम मेहनत नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अब कर लें ना। यस सर, परमिशन। यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे क्या पढ़े थे हम लोग। टॉर्जन क्या होता है, समझ में आ गया था ये टॉर्जन? थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफाई किया था पहले फर्स्ट पेज में, अगर आप नोट्स देख रहे होगे तो ठीक है, तो वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ और दिखाई देगा, नोट्स में कुछ और दिखाई देगा। थोड़ा सा और क्लियर कर दिया था मैंने यहाँ पे कि पोलर एक्सिस अगर इसके अबाउट रोटेट होता है तो सिर्फ पोलर एक्सिस से पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना पड़ेगा और इसको बोलते हैं टॉर्क। और अगर प्लेन के अबाउट रोटेट, प्लेनर एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे मोमेंट, और उस केस में हम लोग आई एक्स एक्स या फिर जो भी प्लेनर एक्सिस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग पढ़ चुके हो क्या, मोमेंट और टॉर्क का डिफरेंस? कितने लोगों ने देखा है नोट्स? नहीं देखा है किसी ने, लग रहा है शांत हो गया। अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन करो अब। नहीं करोगे? इंट्रोडक्शन टू प्योर टॉर्शन, ये बताया था मैंने कि अलग अलग शाफ्ट पे अलग अलग पॉइंट्स पे टॉर्क अलग हो सकती है, लेकिन उसका कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होगा जिसमें प्योर टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, मतलब सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, तो उसको बोलेंगे प्योर टॉर्शन में है वो पोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट और शियर एंगल को डिराइव किया था, रिलेशन निकाला था, और हमने देखा था कि रेडियस और लेंथ को चेंज करने पे ये थीटा और फाई कैसे चेंज होते हैं। देन वी हैव कंक्लूडेड सम पॉइंट्स, और शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल देखे थे हम लोग सर्कुलर शाफ्ट में। शाफ्ट मोस्टली क्या होता है, सर्कुलर ही होता है, कभी शाफ्ट देखा है जो सर्कुलर ना हो? नहीं ना, नहीं नहीं होता तो होगा। कहाँ पे होता होगा? होता तो होगा, मतलब कहाँ पे हो सकता है? ऐसा कौन सा यूज है जहाँ पे सर्कुलर यूज नहीं करना, रोटेट करवाना है और सर्कुलर ना हो, और कोई और क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं यूज किया जा सकता है? अभी जब शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं हम लोग, शियर स्ट्रेंथ या फिर टॉर्क मैक्सिमम अप्लाई किसमें हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको इनर्शिया कम होगा ना सर, सरफेस एरिया की वजह से सर्कुलर का इनर्शिया कम होगा तो अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना सर, इनर्शिया में सर काफी ये इनर्शिया की वजह से सर ये बढ़ जाएगा ना स्ट्रेस, अगर इनर्शिया नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा उतना। कैसे इनर्शिया कम होगा तो स्ट्रेस कैसे बढ़ जाएगा, उल्टा देख रहे हो? कम होगा ना सर, वही तो कह रहा हूँ, कम होगा ना सर जी, ज्यादा होगा तो, कम होगा तो या ज्यादा होगा तो? अच्छा देखो, एक तो होता है कि हम मैक्सिमम टॉर्क कितना अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क का मतलब है टाऊ वाई एस रखना पड़ेगा यहाँ पे मटेरियल के स्ट्रेंथ से। अगर टॉर्क ऐसा अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस इतना जनरेट हो रहा है जो कि मटेरियल के स्ट्रेंथ से ज्यादा जा रहा है, तो वो तो फ्रैक्चर या फेलियर हो जाएगा। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, या तो टी इक्वल्स टू टाऊ वाई एस मल्टीप्लाई बाई जे अपॉन आर, यहाँ पे आर की जगह पे कैपिटल आर रख लीजिए क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे जनरेट होता है, टॉप पे होता है। तो उस केस में टॉर्क किस में ज़्यादा मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जे ज़्यादा होगा, अगर मटेरियल कांस्टेंट है तो, मटेरियल सेम है तो जे जिसका ज़्यादा होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा, वो उसमें ज़्यादा टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं ना, परमिशिबल है, इतना टॉर्क और अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब उसकी टॉर्जनल स्ट्रेंथ ज़्यादा है या नहीं? या फिर ये बोले कि जे जिसका ज्यादा होगा उसमें शियर स्ट्रेस कम जनरेट होगा, कम जनरेट होने का मतलब भी है यही कि शियर स्ट्रेस ज्यादा है उसकी, है या नहीं? तो डायमेंशन जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन इसे डायरेक्ट डायमेंशन एक डायमेंशन को ज्यादा देख के नहीं बता सकते कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस 23 लेक्चर। द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट
axis is known as polar axis. Perpendicular to the cross section is known as the polar axis. और बाकी दो axis क्या होती हैं? Planar axis. And the moment of inertia about polar axis is known as polar moment of inertia. In torsion we deal with mostly solid circular or hollow circular shaft. तो solid circular shaft है उसका अगर बाहर का outer diameter एक ही diameter ही होगा उसके पास, ठीक है? Outer ही diameter होगा तो उसको capital D लिख सकते हैं. तो इसका J कितना होगा? MD square. अच्छा उसके बोल ना MD square by M क्या होगा? सॉरी पाई डी स्क्वायर बाई 32 स्क्वायर डी 4 सर सॉरी सर वो मेरे को मास वाले याद रह जाते हैं बार बार एमआर स्क्वायर बाई वो इसलिए अच्छा मास तो ठीक मास अच्छा ठीक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो तुम याद में वही रह जाते हैं ना सर मुंह पे अगर हॉलो है तो इसका अंदर का डायमीटर कितना होगा स्मॉल डी और बाहर का डायमीटर कैपिटल डी मान लेते हैं हां सर ठीक है तो जे की वैल्यू क्या होगी पाई पाई डी की पावर 4 माइनस छोटे डी माइनस डी नहीं होगा डी की पावर 4 डी के पावर माइनस डी की पावर 4 होता है हां 32 यस सर सोचो अगर मैं डी की पावर 4 को कॉमन ले लेता हूं बाहर तो डी की पावर 4 1 माइनस डी की पावर 4 डी की पावर 4 हो जाएगा ए के हो जाएगा 32 होगा ये हां सर ठीक है इक्वल्स टू दिखाई दे रहा आप लोगों को क्योंकि मैं नीचे काफी नीचे गया हुआ हूं नहीं सर अब नहीं दिखेगा अगर अपॉन में कुछ लिखोगे चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं हां सर पाई डी रेस्ट पावर 4 अपॉन 32 इनटू 1 माइनस के की पावर 4 के की पावर 4 और इस पूरे की वैल्यू 1 से कम आएगी हां सर तो जब जे की वैल्यू हॉलो के लिए निकालेंगे इसको बोलते हैं सॉलिड तो जे एस लिख सकते हैं और इसको जे एच तो किसकी जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आउटर डायमीटर सेम सॉलिड का अगर आउटर डायमीटर सेम है तो सॉलिड का ज्यादा है ठीक है लेकिन अगर बोला जाए तो आप लोगों के पास एक टास्क दे रहा हूं मैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जे ठीक है लेंथ दोनों की सेम है ठीक है मटेरियल दोनों का सेम है मटेरियल सेम है मतलब जी सेम है दोनों का अब हमें देखना है तो जी देखेंगे यंग्स मॉडुलस नहीं देखेंगे जी देखेंगे मटेरियल सेम है क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है सेम क्या है वेट सेम है वेट मास सेम है मतलब 2 केजी के मास से इसको बनाया गया है इसको भी और 2 केजी के मास से इसको भी बनाया गया है ठीक है हां सर और उस केस में और मैं दे दूं कि डी इक्वल्स टू इसके लिए हॉलो के लिए डी इक्वल्स टू 1/4 क्या सर के इक्वल्स टू 1/4 के इक्वल्स टू 1/4 दिया मैंने उस केस में आप js और jh निकालोगे ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो अगले क्लास में पूछूंगा मैं js एंड jh उस समय आप बताओगे कि किसका शियर स्ट्रेंथ या फिर टॉर्जनल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी ठीक है सेम मटेरियल यूज किया गया है एक को हॉलो बना दिया गया और एक को सॉलिड बनाया गया ठीक उस केस में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो बाद में पूछ लेना लेकिन कल क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे ये js और jh निकालेंगे और बताएंगे कि किसका टॉर्जनल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क ठीक है एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा जैसे हमने उसमें देखा था डेल्टा l = pl / ae होता था ठीक है इसमें होगा tl / jg यहां पे मटेरियल कांस्टेंट यहां पे मटेरियल कांस्टेंट यहां पे ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट यहां पे ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट यहां पे लोड यहां पे लोड यहां पे लेंथ और यहां पे लेंथ एग्जैक्टली सेम है बस वही है कि थीटा क्या होता है यूनिट लेस होता है और यूनिट होता है इसके पास ठीक है तो ये याद रहेगा ये भी एक टिप पे याद रखना है जैसे हम लोग PL / AE याद किए थे ऐसे इसको भी याद करना है TL / JG ठीक अब मैं बोलूं कि यही टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है तो शियर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा ये तो फार्मूला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे टाउ मैक्स निकालना है तो आर क्या होना चाहिए मैक्सिमम
कैपिटल आर, तो टी आर कैपिटल आर हो जाएगा। आर आर मैक्स इस कितना होता है, कैपिटल आर यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई जे। तो ये सीयर स्ट्रेस सबसे ज्यादा जनरेट होगा जिसको कंपेयर किया जाता है मटेरियल के स्ट्रेंथ से। मटेरियल के स्ट्रेंथ के बराबर रख दोगे, उसके बाद कुछ डायमेंशन निकालनी है, दैट इज नोन एज डिजाइन। तो डायमेंशन निकालना है सेफ कंडीशन में, दैट इज नोन एज डिजाइन। तो आगे जब आप लोग पढ़ोगे तो डिजाइन जब पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा यही एप्लीकेशन है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन है पूरा डिजाइन। डिजाइन में अगर ये सब भूल गए कि सीयर स्ट्रेस क्या होगा, थीटा क्या होगा, ये थीटा निकाल के चेक किया जाता है कि मटेरियल के अंदर कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन परमिसबल है। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन परमिसबल ऑन द शाफ्ट फॉर सेफ कंडीशन, दैट इज नोन एज डिजाइन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रिजिडिटी। रिजिडिटी, एंगुलर डिफ्लेक्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसका मतलब उसके अंदर रिजिडिटी है, ठीक है। तो रिजिडिटी कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम उसमें हो सकता है, दैट इज नोन एज उसकी रिजिडिटी का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और वो थीटा मैक्स कितना होगा, टी एल बाई जे जी होगा। थीटा मैक्स एल जब सबसे ज्यादा होगा तभी तो होगा थीटा मैक्स डिवाइडेड बाई जे इंटू जी। थीटा मैक्सिमम कब होता था, देखा था कि फार अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, वहां पर थीटा मैक्स निकालना होता है। अगर वो परमिसिबल, उतना परमिसिबल है तो इसका मतलब मटेरियल सेफ है। अगर उससे ज्यादा आ गया, इससे ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है तो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। या फिर बोले टॉर्क अगर उस बढ़ाते गए और थीटा मैक्स की वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा हो रही है तो भी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे कॉन्स्टेंट हैं, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, ठीक। आगे चलें, मैक्सिमम ट्विस्टिंग टॉर्क अप्लीकेबल ऑन द शाफ्ट फॉर सेफ कंडीशन, दिस इज नोन एज डिजाइन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। टॉर्क हमने लगाया इतना, टीआर की वैल्यू सपोज, टीआर की वैल्यू सपोज 50 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है, और हमने अप्लाई किया टॉर्क 40, तो बताइए टॉर्जन की वजह से इसका फेलियर होगा या नहीं। फेलियर होगा या नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। अप्लाइड टॉर्क कितना है, 40 ही है। मैक्सिमम परमिसिबल कितना है, 50 है। ये कहां से आया है, सीयर स्ट्रेंथ की वैल्यू रखने के बाद आया है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, अब ये मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट हो जाएगा कि इतना अप्लाई कर सकते हो, बस उस मटेरियल पे इतना ही टॉर्क अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सीयर स्ट्रेंथ से निकालें, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट। ये मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट है, ज्योमेट्रिकल है, ये ज्योमेट्रिकल है, सारे कांस्टेंट है, सब मिलकर कांस्टेंट बना रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो मटेरियल की ये भी तो मटेरियल स्ट्रेंथ हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल प्लस मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट है ये टीआर, दोनों में मटेरियल स्ट्रेंथ भी है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रेंथ भी, दोनों के फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आया है, तो ये कांस्टेंट है। तो अप्लाइड टॉर्क अगर 40 है तो ये इसमें कोई भी फ्रैक्चर या फेलियर नहीं होगा बिकॉज ऑफ टॉर्जन। इफ टी इज 51 देन द शाफ्ट विल फेल और फ्रैक्चर्ड, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गया है, एक इससे इन दोनों से और एक इन दोनों से। तो मतलब पैरेलली हम लोग एनालिसिस ऑफ टॉर्जन इक्वेशन भी देख रहे हैं, समझ आ रहा है। चलें आगे, टू फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क मतलब रेसिस्टिंग टॉर्क which can be applied on the shaft without any fracture or failure, that is equals to tau ysg upon r, capital R. Maximum extreme position pe kya hoga, that is tau ysg upon r. Tau ki value tau ys ho jayegi material strength ke barabar, theek hai. Next chalte hain, cases for angular deflection and torsional shear stress in prismatic shaft. Prismatic shaft, प्रिज्मेटिक शाफ्ट मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो दिख रहा है कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, ए बी
सी डी। अब देखिएगा टॉर्क, ध्यान से देखिएगा, आपको हमेशा इधर से देखना है, राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से देखना, ठीक है, क्योंकि टॉर्क समझ में नहीं आएगा कि कौन सा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक ही तरह का देखिएगा हमेशा, ये नहीं कि इसको इधर से देखने लगोगे तो सारा साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा टॉर्क अप्लाई हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज लग रहा है ना, राइट साइड से, चलिए मान लीजिए यहाँ पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है 5T का और यहाँ पे 7T का, ठीक। अच्छा ये केस क्या है, फ्री फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों तरफ से फ्री है, इसमें शियर स्ट्रेस आएगा या नहीं, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, जल्दी बताओ भाई, देखो आएगा इसका, पेन देख रहे हो, ये पेन, पेन दिख रहा है मेरे हाथ में, मैं इसको रोटेट करूँ ऐसे और एक से ऐसे रोटेट करूँ दोनों दो दूसरी तरफ, तो जो ज़्यादा है उसकी तरफ से घूम जाएगा, ये 5T का टॉर्क ये हाथ लगा रहा है, 7T का टॉर्क ये लगा रहा है, घूम गया ये, ट्विस्टिंग हुआ है क्या, नहीं बट ट्विस्टिंग हुआ ही नहीं है तो टॉर्क कहां से, मतलब शियर स्ट्रेस कहां से आएगा, ट्विस्टिंग का मतलब है लेयर को घूमना कि जस्ट घूमने वाली कंडीशन होगी तब उसका कुछ इनर्शिया रहेगा जो अपोज करेगा, तो शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए कर रहे हैं ना, तो एक तरफ फिक्स करके शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, शियर की वजह से जब टूटेगा, अगर कभी ऐसा हुआ कि ये घूम नहीं रहा है और हम लोग अप्लाई करे जा रहे हैं टॉर्क, उस केस में शियर स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा ना, अच्छा हाँ सर, फिर तो बस घूम जाएगा, फिर नहीं आएगा, तो ऐसा रोटेट हो जाएगा बस, हाँ सर, रोटेट होने से शियर स्ट्रेस थोड़ी आएगा, मैंने उस समय बताया था कि स्टार्टिंग में इसके पास इनर्शिया होगा उसको रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, तो वो देखे थे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये स्पेस में रखा हुआ है उसके बाद घुमा रहे हैं, फ्री हैंड है, तो ये सर फिर तो नहीं आएगा, तो टॉर्जन जीरो होगा, टॉर्जन शियर स्ट्रेस, एंगुलर डिफ्लेक्शन जो बोला जा रहा है वो कितना होगा, होगा या नहीं होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं होगा, नहीं ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये मैंने जब हम लोग डायग्राम बनाए थे तो ये पॉइंट तो फिक्स था ना, हाँ सर, एंगुलर डिफ्लेक्शन तभी आया था जब ये लेयर यहाँ पे पहुंच गई थी, स्टार्टिंग में ये यहाँ थी, यही लेयर ए से, ए तो ए का पोजीशन कहीं चेंज नहीं हो रहा था, बी का चेंज नहीं हो रहा था, बी यहाँ पे था फिर बी वन हो गया था, तब जाके हम लोग एंगुलर डिफ्लेक्शन निकाले थे, दिस इज नोन एज एंगुलर डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, इसको बता रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दोनों घूम जा रहे हैं, यहाँ पहुंच जाएगा, तो ए के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ ट्विस्ट कुछ है नहीं, तो थीटा इज जीरो इन दिस केस एंड शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो जीरो, ठीक है, कैसे जी थीटा बाई एल, थीटा जीरो तो शियर स्ट्रेस इज आल्सो जीरो, समझ में आ रहा है, एक और आएगा ना आर भी आएगा, मल्टीप्लाई बाई आर आ रहा है समझ में, टॉर्जन इक्वेशन से लिख रहा हूँ ये, इसको समझ में नहीं आया है, सबको आ गया, एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, होगा शियर स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस भी आएगा और एंगुलर डिफ्लेक्शन भी आएगा, ठीक है, तो उसमें भी यही करता हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट डी एंड डी,
यहाँ पे टॉर्क लगाते हैं 5T का और यहाँ पे 7T। उसके बाद लेंथ दे देते हैं, टोटल लेंथ है L plus L plus L, 3L टोटल लेंथ। बताना है आपको कि टोटल एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा एंड इन द सेम केस टोटल शियर स्ट्रेस इन अलग अलग पोर्शन में अलग अलग शियर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि टॉर्क अलग अलग होगा तो डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा तो शियर स्ट्रेस भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले केस क्या बनता है, फ्री बॉडी डायग्राम। कितने पोर्शन है, थ्री पोर्शन है। यहाँ पे रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, ए पे टॉर्क टॉर्जनल रिएक्शन आएगा ना, तो वो भी हम लोग पता नहीं है किधर आएगा, तो बना लेते हैं कोई भी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं हम लोग अभी, तो इसको लिख रहे हैं टी ए आर, ए पर रिएक्शन ऑफ टॉर्क। यहाँ पे है 5T, यहाँ पर है 7T, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे कितने होंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिर्फ एक होगा, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क, टॉर्क इज आल्सो अ मोमेंट, तो मोमेंट वाला इक्वेशन है, लेकिन मोमेंट यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है। समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल्स टू जीरो, अलजेब्रिक सम, मतलब क्लॉक वाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज इज सॉरी एंटी क्लॉक वाइज इज नेगेटिव एंड क्लॉक वाइज इज पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन। तो टी ए आर कौन सा है, एंटी क्लॉक वाइज माइनस टी ए आर, ये कौन सा सी पे 5T, एंटी क्लॉक वाइज माइनस 5T, और ये क्या है 7T प्लस 7 टू जीरो, तो टी ए आर इक्वल्स टू 2D पॉजिटिव आया है, तो हमारा जो साइन जो हम लोग डायरेक्शन लिया था वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई 2T। This was free body diagram. अब ये बताइए, अब सेक्शन लेते हैं, सेक्शन लेते हैं, पोर्शन कितने हैं AC, तो ये बताओ टॉर्क इन AC कितना होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड ले लो, और ध्यान रहे कि कौन सा डायरेक्शन है, एंटी या क्लॉक है, टी ए सी 2T, 2T क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, माइनस 2T, ठीक है। सेकंड पोर्शन में लेते हैं, लेफ्ट या राइट लें, राइट लोगे, लेफ्ट लिया करो तो आसानी होगी, क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा राइट से देख रहे हैं ना, तो तभी तो लेफ्ट लेना पड़ेगा, कंगारा क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि इधर से देखेंगे तो अब उल्टा ऐसे कैसे देखें, सब कुछ हम लोगों ने इधर से देखा है, इसको सेक्शन के लेफ्ट मतलब यहाँ से देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले को देख रहे हैं ना, सारा राइट से देख रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड वाले चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को कब देखोगे, जब लेफ्ट साइड में देखोगे सेक्शन के, ठीक है। तो ये दिख रहा है माइनस 2T और ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज, ये भी माइनस 5T माइनस सेवेंटी, ठीक है। इसके इस सेक्शन के जीरो आ रहा है, एक -2 -5T प्लस 70 हो रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज जीरो, ठीक है जी सर। तो टॉर्क तो आपने निकाल लिया अलग अलग पोर्शन में, तो अलग अलग पोर्शन में थीटा ए सी थीटा सी डी थीटा डी वी निकाल सकते हो, हाँ सर निकालो, एल बाई जी जे, जे की वैल्यू निकालनी जरूरत है, जे रखना है, एल की वैल्यू एल रखना है, जो भी है, लेकिन लेंथ देखेंगे कि किस पोर्शन का लेंथ कितना है,
हेमंत गायब हो गया। हेमंत? नो सर, यही हूँ। नवीन, सवाल का? यस सर, यही हूँ। हाँ, यही हो, आ रहा है समझ में? हाँ सर। बलराम मीना? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं, प्लस माइनस? हाँ सर, मतलब एक बार और देखूंगा अभी उस पर यूट्यूब पे, तो थोड़ा ढंग से आ जाएगा। रोज देखते हो वीडियो? हाँ हाँ सर, डबल बार देखा। मेरा नहीं सर, मैं तो पूरी देखता हूँ सर वीडियो, वो तो पता चल जाएगा कभी। तुम लोग असाइनमेंट जो सबमिट करते हो, मुझे बहुत खुशी मिली है उससे। पूछो क्यों? क्यों सर? बहुत बेकार है असाइनमेंट, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिल रही है कुछ लोगों का देख के। मुझे लगता था मेरी हैंडराइटिंग सबसे बेकार है दुनिया में। नहीं सर, आपकी तो अच्छी लगती है सर। नहीं, मेरी बहुत गंदी है, लिखने में मुझे एम्बैरेसिंग फील होता है, लेकिन मैं ये मतलब मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। तो कितना आया है थीटा एसी? -2TL/J (G)। थीटा सीडी -7TL/JG। और यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे ही मैं, थीटा डीबी जीरो। तो बोला जाए कि टोटल डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, फ्री एंड पे ही डिफ्लेक्शन होगा टोटल। देखो मतलब एसी का डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, -2TL/JG। एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है, -2, मान लो कि इतना हुआ है, इतना यहाँ तक पहुंचा है, तो बी वाला पॉइंट भी तो घुमा होगा। यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, वो भी तो उसके साथ ही है ना, ये भी यहाँ आ गया होगा, ये पॉइंट यहाँ आ गया होगा। उसके बाद पता चला सी डी भी थोड़ा सा घुमा है, कितना घुमा है 70, इसकी वजह से भी ये घूम जाएगा और आगे तक। तो टोटल जो डिफ्लेक्शन होगा फ्री एंड पे ही होगा, आ रहा समझ में? तो टोटल डिफ्लेक्शन का टोटल आप लोग चेक कीजिएगा कभी, इमेजिन करके, थीटा एसी प्लस थीटा सीडी प्लस थीटा डीबी विच विल बी -90L/JG। और ये थीटा जो जिसमें भी वैल्यू आएगा वो रेडियन होगा, डिग्री नहीं होगा, रेडियन होगा, क्योंकि ये साइन वाइन के साथ नहीं है कि डिग्री होगा, ये अकेले थीटा आ रहा है, तो ये रेडियन में होगा। जो फॉर्मूला है टॉर्जन इक्वेशन में वो रेडियन में, जी थीटा बाई एल, दैट इज इन रेडियन। समझ में आ रहा है? तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, 9TL/JG, कहाँ पे होगा, फ्री एंड पे। टोटल कहाँ बोलोगे, लास्ट में ही बोलोगे, लास्ट में ही बोलते हैं ना। एक्जियल डिफ्लेक्शन भी जो होता है ऐसे खींचते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, लेकिन टोटल जब निकालते हो कहाँ निकाल रहे हैं, इस पॉइंट का निकाल रहे हैं ना, कहाँ तक पहुंच गया होगा ये। इसके पोर्शन थोड़े थोड़े आगे जाएंगे, लेकिन लास्ट वाले फार अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। तो टोटल डिफ्लेक्शन कहां से निकालेंगे, फ्री एंड से, ठीक है। शियर स्ट्रेस भी निकाल लेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, इसमें आप लोग निकालेंगे, अगर मैं टॉर्क दे रहा हूं यहां पे, टॉर्क इज 20, 50, लेंथ इज 2 मीटर, एंड जी इज गिवन 85 गीगा पास्कल। निकालिएगा आप लोग थीटा टोटल एंड टाउ इन
आर की वैल्यू एक सेकंड रुको इसको सॉल्व करोगे थीटा आपके हर एक पोर्शन में निकालना ए बी बी सी सी डी सर स्मॉल आर की वैल्यू हाँ डायमीटर दे रहा हूँ डायमीटर इज 30 mm स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग भाई ठीक है अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी एक सेकंड ये केसेस पहले देख लें केस नंबर 3 एंड फिक्स्ड इसका मतलब अच्छा ये बताओ पहले जो हम लोग सेकंड केस देखे हैं उसमें शियर स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा किस किस पोर्शन में शियर स्ट्रेस आएगा और कौन से इस केस पोर्शन में शियर स्ट्रेस नहीं होगा डीबी में शियर स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई एंगुलर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है एंगुलर डिफ्लेक्शन नहीं होना का मतलब है ये अगर पेन है पेन दिख रहा है आपको ये पेन है अगर मैं इसको यहाँ पे ट्विस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ट्विस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा है ये इजिली घूम रहा है तो इसका शियर स्ट्रेस जीरो होगा ये घूम रहा है किसकी वजह से इन दोनों पोर्शन की वजह से घूम रहा है बस ये पोर्शन घूमा कुछ एंगल ट्विस्ट हुआ इसमें और सी डी में भी कुछ एंगल ट्विस्ट हुआ इसमें कुछ नहीं हो रहा है ठीक है ये घूम रहा है किसकी वजह से इसकी ट्विस्ट की वजह से और इसकी ट्विस्ट की वजह से क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है कनेक्टेड है तो वो भी जाएगा नीचे ठीक है जैसे हम लोग बीम में देखेंगे अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो इस पे अगर फोर्स ऊपर लगा रहा हूं मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन में कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है शियर स्ट्रेस भी नहीं होता है ठीक है वैसे ही इसमें भी है थर्ड पोर्शन थर्ड केस इज बोथ एंड्स फिक्स्ड अब ये बताओ थीटा इसमें होगा या नहीं होगा टोटल टोटल एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा या नहीं टोटल हमेशा कहाँ देखते हैं फ्री एंड पे इसमें फ्री एंड है ही नहीं फ्री एंड है ही नहीं तो टोटल क्या होगा जीरो लेकिन अलग अलग पोर्शन में थीटा हो सकता है या नहीं किसी का प्लस हो जाएगा किसी का माइनस हो जाएगा दोनों कैंसिल होकर एंड पे क्या देगा जीरो तो कोरिलेट कीजिए आप लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन से दोनों तरफ फिक्स था बीच में मैं इधर फोर्स लगाया टोटल डिफ्लेक्शन क्या होता था जीरो लेकिन हो सकता है इस पोर्शन में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा होगा इधर की तरफ इस पोर्शन में कुछ और इधर हो रहा होगा तो सब मिला के क्या हो जाता था जीरो उसी से तो रिएक्शन निकालते थे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन टोटल डिफ्लेक्शन मस्ट बी जीरो तो इस केस में दोनों जगह रिएक्शन जो आ रही है कैसे निकलेगी इस केस में क्या हमारे पास एक ही इक्वेशन है यहाँ पे भी एक ही इक्वेशन होता था समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एक इक्वेशन है दो अननोन होते थे एक आर इधर एक आर इधर दोनों आर निकालना था ना लेकिन इक्वेशन कितने थे एक ही था वैसे ही यहाँ पे भी करना है तो सपोज तो अगर इस पॉइंट पे ये पॉइंट है ए बी और डी बता रहा है सपोज हो रहा है थ्री टी ठीक है लेंथ है तो ऐसे ही लेंथ है जैसे स्टार्टिंग में था एल एल दिस इज आल्सो एल मटेरियल कांस्टेंट इज कैपिटल जी ठीक है और जे इज गिवन पोलर मोमेंटम इज जे तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द टॉर्क एट पॉइंट ए एंड डी
and also find the shear stress in each and every portions AB, BC, CD. पहले आपका क्या काम है? Free body diagram. Free body diagram. कितना टॉर्क आ रहा है ए पे? हमेशा राइट साइड से देखना है लेफ्ट साइड की चीजों को. 30 और 90 सेक्शन फॉर ए बी, सेक्शन फॉर बी सी, सेक्शन फॉर सी डी. यहाँ पे रिएक्शन आएगा टी ए आर, यहाँ पे आएगा टी डी आर. पोर्शन ए बी समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल्स टू जीरो. माइनस टी ए आर एंटी क्लॉक वाइज है, माइनस 90 प्लस 3t प्लस 30 माइनस टी डी आर इक्वल्स टू जीरो. सो टी ए आर प्लस टी डी आर इक्वल्स टू माइनस 60. एक इक्वेशन है, दो अननोन है. एक इक्वेशन दो अननोन, तो यूज करेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपका इमेजिनेशन बताएगा क्या होना चाहिए. टोटल एंगुलर डिफ्लेक्शन इज जीरो. टोटल एंगुलर डिफ्लेक्शन क्या क्या है? थीटा ए बी, थीटा बी सी, थीटा CD इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए हर एक पोर्शन का टॉर्क पता होना चाहिए. इस पोर्शन में कितना टॉर्क है AB में? TAB माइनस TAR, TBC. TBC क्या होगा? माइनस 90 माइनस TAR. उसके बाद टी सी डी दैट इज माइनस टी ए आर माइनस 60 माइनस टी ए आर माइनस 60. ठीक है, ये सारी वैल्यूज उसमें रखेंगे तो टी ए आर की वैल्यू आ जाएगी. थीटा ए बी में, थीटा बी सी में, थीटा सी डी में. थीटा ए बी इक्वल्स टू टी एल पाई जे जी. निकाल के बताइए जल्दी से कितना आ रहा है टी ए आर. कौन बता रहा है इसमें क्या अप्लाई कर रहे हो? नहीं आ रहा तुम लोग. सब कुछ कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू रख रहे होगे. सारा ये चीज एल बाई जे जी कांस्टेंट है, अंदर बस टॉर्क रखना है. और कितना है इसका? माइनस टी ए आर, माइनस टी ए आर, फिर माइनस 90 माइनस टी ए आर, फिर माइनस 60 माइनस टी ए आर.
इक्वल्स टू जीरो, ये सारे जीरो हो जाएंगे राइट साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे जीरो के साथ। माइनस थ्री टी ए आर इक्वल्स टू 15 t, so t a r equals to minus 5 t, तो जो हमने डायरेक्शन माना था वो गलत है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अभी minus 5 t इसमें रखेंगे, ठीक है, उसके बाद t d r निकाल लेंगे। ये इक्वेशन तो उसी हिसाब से आया ना जिस तरह हम लोग माने थे, जैसा आया है वैसा ही रखेंगे यहाँ पे, माइनस फाइव टी प्लस टी डी आर इक्वल्स टू 60, सो टी डी आर इक्वल्स टू माइनस टी वन, तो दोनों का जो वैल्यू आया था माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था वो जस्ट उसके अपोजिट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा ऐसे आएगा t का, और यहाँ पे जो आएगा इधर से आएगा कितना वैल्यू आएगा 5t, ठीक है, टॉर्क आ गया, सारी वैल्यू टॉर्क की आ गई। अभी शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं अलग अलग पोर्शन में, इस पोर्शन में कितना आएगा 5t, तो शियर स्ट्रेस निकाल लोगे, टाउ क्या होता है टी आर बाई ए, टी पता है, आर रेडियस दे दिया जाएगा, डायमीटर दिया है तो रेडियस पता होगा, और जे भी पता है, इसके लिए शियर स्ट्रेस कुछ और आएगा, इसमें कुछ और आएगा, इसमें कुछ और आएगा, आपको फाइंड करना होगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पोर्शन में है, वो पोर्शन क्रिटिकल पोर्शन होगा, उसकी डिजाइन की जाएगी, उस पोर्शन की डिजाइन की जाएगी, अगर वो सेफ है तो बाकी क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, क्योंकि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम जिसमें जनरेट हो रहा है उसी के चांसेस है फेलियर के, ठीक है, अगर उसकी शियर स्ट्रेंथ अगर हमने बढ़ा ली तो बाकी पोर्शंस सेफ रहेंगे, ठीक है, आगे चलें, आगे एग्जांपल, dr अपॉन j से निकाल लेंगे तो फिर कैसे कैसे निकालोगे, या तो g थीटा बाय l से भी निकाल लो, हां g थीटा बाय l से निकालेंगे ना, क्योंकि r के वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन बता दो ना, गिवन रहेगी, गिवन है, अच्छा मान लो गिवन नहीं रहेगी तो वही रखेंगे, हाँ फिर वो फॉर्मूला सही रहेगा, जी थीटा बाय एल वाला मल्टीप्लाई में आर में भी आ जाएगा ना सर, उसमें भी आ रहा था हां, फिर आर गिवन होगा, कंपल्सरी गिवन रहेगा, ठीक है, ठीक है, बन रहेगा, इसमें निकालना है क्या, इसमें इस ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल में हमारा काम है, घर पे निकालो, पता करो कौन सा आर के टर्म में निकाल लो ना, हाँ, फिर भी तो पता कर सकते हैं ना ज्यादा किसमें है, हाँ, सबके लिए आ रहे हैं, अभी में देखते हैं पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ये तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, बेसिक से हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा था हम लोगों ने बेल ड्राइव में 2πnt/60 अ लाइन शाफ्ट इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ n rpm बाय वर्चू ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स, उसका पावर कितना है कैपिटल P, दिस पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डिफरेंट मशीन्स टू रन एज पर रिक्वायरमेंट, जो पहले सबसे पहले इस लेक्चर से स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हमने एग्जांपल दिया था, लाइन शाफ्ट है, इस लाइन शाफ्ट को रोटेट करके पावर को ट्रांसमिट करना है, तो ये लाइन शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए दो बियरिंग्स लगेंगी B1 एंड B2, अब इस पर एक या तो मोटर लगाओ या फिर इंजन लगाओ रोटेट करने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए या तो मोटर लगाना पड़ेगा या फिर इंजन लगाना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये पावर सोर्स यहाँ पे कितना पावर है सपोज 100 किलोवाट इनपुट है, अब इस पावर को ट्रांसमिट करना है कहीं और, कहाँ पे सपोज दो मशीन लगाया जा रहे हैं जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है कि 40 किलोवाट का पावर आना चाहिए इस मशीन के थ्रू और इस पर 60 किलोवाट का पावर आना चाहिए, दिस इज M1, दिस इज M2, तो वही है वैसे तो जो हमने कल देखा था कि टॉर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम स्पीड पे रोटेट करेगा या नहीं, क्योंकि शाफ्ट एक ही है, सबका RPM कितना होगा सेम होगा, इसी को लाइन शाफ्ट, इसीलिए इसको लाइन शाफ्ट बोल रहे हैं, लाइन शाफ्ट पे जितने भी पुल्लीज होंगे
अगर गियर ड्राइव लगा दिया जाए वो सारे के सारे की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एक ही शाफ्ट है, इसका आरपीएम एन है तो इसके भी एन होंगे, तो ये सारे के क्यों कांस्टेंट हो जाएंगे। पावर जिसका 0.0 पावर इस पर 40 वाट जाना है, मतलब 40% 40% जाना है, तो टॉर्क कितना जाना चाहिए इस पर। अगर यहाँ पे 100 किलोवाट है तो उसके अकॉर्डिंग जो टॉर्क होगा, सपोज कैपिटल टी है, तो यहाँ पे जो टॉर्क जाएगा वो 0.4 T जाएगा और यहाँ पे 0.6 T आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बियरिंग्स हैं, बियरिंग्स पे ये बताइए रिएक्शन टॉर्क होगा या नहीं। ये सपोर्ट्स हैं बट टॉर्क को परमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टॉर्क की वजह से रिएक्शन नहीं होगा, टॉर्क की वजह से रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पोर्शन में टॉर्क कितना आएगा, 0। लेफ्ट साइड में चेक करोगे तो 0 होगा। अब इस पोर्शन में देखेंगे तो जो यहाँ पे टॉर्क है, तो इस पोर्शन में क्या होगा, टी होगा, ठीक है। इस पोर्शन में टी आएगा टॉर्क, इस पोर्शन में क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन सेम है ना, टॉर्क एक ही तरह लग रहा है। अच्छा। लग रहा था अभी तो एक ही तरह T plus 0.4 T मतलब 1.4 T, सही है क्या। हेलो सर, ऐसे तो सही लग रहा है सर, फिर ज्यादा कैसे हो जाएगा। इधर क्या देखेंगे, इसका राइट साइड में देखो 0.60 है, इधर 0.60 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना आप लोग कि इसको रोटेट कराने के लिए मशीन शाफ्ट को रोटेट करा रहा है इधर की तरफ, सपोज ऐसे मशीन इसको शाफ्ट रोटेट कराना चाह रहा है, ये रुका हुआ है मशीन, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है शाफ्ट को, कौन, यहाँ पे जो इंजन लगा है या मोटर लगा हुआ है, तो टॉर्क ऐसे दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये रुकी हुई मशीन जब जैसे ये पावर यहाँ तक पहुँचेगी, इसको एक इसको भी रोटेट तो ऐसे कराएगी, लेकिन शाफ्ट को कैसा रोटेशन फील होगा इनर्शिया की वजह से, इसको लगेगा मशीन तो ऐसे आ रही है लेकिन रिएक्शन कैसे देगा ये, क्लॉकवाइज, ये ऐसे रोटेट होना चाह रहा था लेकिन इसको रिएक्शन देगा क्लॉकवाइज की तरफ और इसको भी क्लॉकवाइज की तरफ, इसको रोटेट कराना है और ये रोटेट हो रहा है इसकी वजह से शाफ्ट, और शाफ्ट की वजह से इसको रोटेट होना, तो जस्ट अपोजिट टॉर्क मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये -0.40 और ये 0.60, तभी तो जाके 0 होगा यहाँ पे। इस पोर्शन में क्या होगा, 0, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस पोर्शन में क्या होगा, 0.60, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली दो पोर्शन हैं जो मशीन से और इंजन के बीच में, एक ये और एक ये, इन दोनों में टॉर्क कितना है, टॉर्क कितना है, अलग अलग है, तो अलग अलग शाफ्ट अलग अलग प्योर टॉर्शन में होगा, तो डिजाइन कर सकते हैं शाफ्ट की भी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पावर ट्रांसमिशन। सर ये M1 भी रोटेट हो रही क्या, कौन सा, हाँ रोटेट हो रही ना ये M1, ये मशीन से लगाया जाएगा, ये एक पुल्ली है, इस पुल्ली को आगे बेल्ट के थ्रू किसी एक मशीन को रोटेट कराने के लिए, मशीन का कोई पार्ट होगा जिसको रोटेट कराना है उससे लगाया जाएगा, यहाँ पे बेल्ट लगाया जाएगा ना उसके ऊपर आगे, हाँ, तो जिस डायरेक्शन में ये जो ये E है ना इंजन, ये रोटेट हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में M1 भी हो रही होगी, यस, वो तो रिएक्शन ले इसलिए अपने माइनस किया, हाँ रोटेशन जिधर हो रहा है उधर की तरफ रेसिस्टिंग टॉर्क नहीं है, रेसिस्टिंग टॉर्क जस्ट उसके उल्टा है, यहाँ पे रेसिस्टिंग टॉर्क होगा, यहाँ पे अप्लाइड टॉर्क होगा, यहाँ पे रेसिस्टिंग होगा, रेसिस्ट करेगा क्योंकि ये शाफ्ट इसको घुमाने जा रही है, यहाँ पे शाफ्ट को कोई घुमा रहा है, कौन, मोटर या फिर इंजन, ठीक है।
अब इसका एग्जांपल करते हैं जो पीछे हमने एग्जांपल देखे अभी. किसकी क्लास है अभी? दिनेश सर. दिनेश सर. चलो चलो ठीक है. ये एग्जांपल आप लोग इसमें जिसमें एक फ्री है और एक फिक्स्ड है वो वाला एग्जांपल करना आप लोग. टॉर्क अप्लाई करके, टॉर्क मैंने ये दे दिया हुआ है पहला एग्जांपल, इसको सॉल्व कीजिएगा. इसका थीटा निकालिए. थीटा टोटल भी निकालना पड़ेगा. थीटा टोटल निकालने के लिए तो अलग अलग पोर्शन में निकालना ही पड़ेगा आपको. तो थीटा ए भी निकालोगे, जैसे ही थीटा ए भी निकाल लोगे वहीं पे टाऊ ए भी निकाल लेना आपको. थीटा बी सी निकालोगे तो टाऊ बी सी भी निकाल लेना. सारे थीटा निकालने के बाद थीटा टोटल निकाल लीजिएगा इसमें. ठीक है, ये एग्जांपल है एक. दो एग्जांपल छोड़ते हैं, इसको करते हैं ये वाले एग्जांपल को. इस एग्जांपल में 20 किलो न्यूटन मीटर एट दिस पॉइंट इज 70 किलो न्यूटन मीटर, लेंथ इज 2 मीटर, आर इज 30 mm. आर गिवन है, हमें डायमीटर नहीं है, आर है. जी इज 90 गीगा पास्कल. थीटा टोटल निकालना है एंड टाउ मैक्स निकालना है. टाउ मैक्स किस पोर्शन में होगा ये भी बताना है, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी वो बताना है. ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस दीजिए. अटेंडेंस? यस सर. मैकेनिक्स की क्लास है या नहीं? है ना सर. यस सर. यस सर. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सर.